गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे मेरी बाइक खड़ी है। तो अभी मध्यमग्राम में अपना एक नया शॉप खुला है जहां पे फोम वॉशिंग का जो क्राइटेरिया है वो आ गया है। नॉर्मल वॉशिंग नहीं, फोम वॉशिंग। तो जैसे कि मेरी गाड़ी इधर खड़ी है, बाइक अभी बहुत ही धूल मिट्टी के कंडीशन में है, तो इसको लेके चलेंगे, वॉशिंग कराएंगे। और क्या प्रोसीजर है, कितना प्राइस है, वो आपको ब्लॉग पे दिखाएंगे। तो कुछ प्रेजेंट कंडीशन अभी ऐसा है बाइक का, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मेरे बाइक की कंडीशन ये है क्योंकि मैं अभी अभी एक शॉर्ट ट्रिप से वापस आया हूँ, 730 किलोमीटर्स के ट्रिप से वापस आया हूँ। तो बहुत ही धूल मिट्टी है इस पर और बाइक बिल्कुल नहीं है और लैमिनेटेड नहीं है, इसलिए मैंने इस पर कोई भी बफिंग नहीं की है किसी भी क्लॉथ से। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. तो फ्रेंड्स, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी फर्स्ट लेयर ऑफ केमिकल डाला जा रहा है। ये बॉडी पे नहीं डाला जाता है, ये सिर्फ निचले पार्ट पे, जैसे टायर्स एंड जहाँ जहाँ मड का एक्यूमुलेशन होता है वहीं पे ये सिर्फ फोम डलता है। अगर ये गलती से भी आपके ग्रीन जितना पार्ट है उस पर अगर लग गया तो फिर प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो नीचे ही सिर्फ ये केमिकल को अप्लाई कर रहा है। ये केमिकल एक्चुअली क्या करता है कि ये जो मड एक्युमुलेशन है यहाँ पे, इसको ये ब्रेक करता है, ठीक है। तो फोम वॉश का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें केमिकल एप्लीकेशन रहता है, और इसको सिर्फ टायर्स एंड निचले पार्ट में जैसे रिम वगैरह पे इसको हम डालते हैं। A few moments later. तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड की गाड़ी को ऑलरेडी इन लोगों ने क्लीन कर लिया है। अभी मेरी गाड़ी ऊपर जा रही है। फ्रेंड्स, अभी इसका क्लीनिंग का सेकंड पार्ट जो कि है फोम एप्लीकेटर, अभी पूरे बाइक को फोम से कवर करेंगे। और फोम जो करता है वो करता है कि जो भी इसमें मड है उसको कट करके वो निकाल के नीचे लेके जाता है। तो जो भी इस पर मड एक्यूमुलेटेड है उसको कट करके ये नीचे लेके जाता है।
जैसा कि आप लोग ने देखा कि फोम एप्लीकेशन के बाद अभी एक क्लीन क्लॉथ से पूरे गाड़ी को इन्होंने बफिंग किया। बफिंग ज़्यादा हार्ड प्रेस से बफिंग नहीं करना है क्योंकि इस पर स्क्रैच आ जाएगा, तो बहुत हल्के हाथों से फोम से एक्चुअली घिसते नहीं है बॉडी को। फोम एप्लीकेशन के बाद बहुत ही हल्के हाथों से इसको जस्ट बफिंग करना है ताकि जो भी इसमें मड या डस्ट रहेगा वो निकल जाएगा। अभी इसके बाद गाड़ी को वापस वॉश करेंगे, तो अभी वो वॉशिंग का प्रोसेस चालू है। क्योंकि इस गाड़ी का कलर बहुत ही प्यारा है, तो मतलब अभी ये वॉशिंग के बाद ये और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी कल परसों में मैं एक राइड पर जाने वाला हूँ, तो इसके लिए मैंने गाड़ी को वॉश करा लिया। तो अभी इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है, इस पर एक वैक्स का पॉलिश आएगा, उसके बाद एक बफिंग आएगी और क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए फोम के बाद इसका रब और उसके बाद अभी वापस से वॉशिंग। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वॉशिंग कंप्लीट होने के बाद अभी एयर प्रेशर से गाड़ी को ड्राई किया जा रहा है। अभी जैसे ही ड्राई हो जाएगा इसके बाद आएगा वैक्स पॉलिश। तो फिलहाल भैया अभी इसको ड्राई कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल वॉशिंग का प्रोसेस है। आप सबको मालूम है कि वॉशिंग के बाद इस पर ड्रायर आता है, तो ड्राई हो जाने के बाद जब वैक्स पॉलिश आएगा तो फिर वापस हम देखेंगे कि भैया कैसे करते हैं। तो अभी है फाइनल प्रोसेस वैक्स का। तो आप जैसे देख रहे हैं भैया अभी इस पर वैक्स अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद एक आएगा फाइनल बफिंग एंड क्लीनिंग हो जाएगी कंप्लीट। तो ये पूरे पूरे बाइक के बॉडी पे ये वैक्स अप्लाई होएगा। अभी वैक्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद फैन को ऑन करेंगे। ये वैक्स थोड़ी देर बाइक के बॉडी पे बैठेगा और उसके बाद इसकी बफिंग होगी। तो पॉलिश अभी बैठ गया है बाइक के बॉडी के ऊपर। शाइन आपको दिख ही रहा होगा कि शाइन इसकी जबरदस्त है। भैया अभी इसको बफिंग कर रहे हैं। शाइन इसकी जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी भी फाइनल बफिंग नहीं हुई है, वंस फाइनल बफिंग कंप्लीट होगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक भैया बफिंग कर रहे हैं इसको, कंप्लीट हो जाने पे दिख रहा हूँ। वैसे आपको दिख ही रहा होगा कि बाइक पे एक अलग शाइन आ गई है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फाइनल बफिंग भैया कर रहे हैं अभी, तो इसके बाद जस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको भैया से बात कराऊंगा, भैया अपना नाम बताएंगे और कितना टाइम लगा करने में एक बाइक का, वो भी आपको बताएंगे। प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पे आइए और एक बार वॉश कराइए, फिर आपको मालूम चलेगा कितना अच्छा इनका सर्विस है, कितने अच्छे से ये कितना टाइम लेके बाइक को वॉश कर रहे हैं, बाइक को क्लीन कर रहे हैं, उसको बफिंग कर रहे हैं, तो आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है बाइक। तो कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, अभी गाड़ी नीचे लेके जाएंगे बाइक और फिर घर की ओर चलेंगे। अभी वॉशिंग कंप्लीट हो चुकी है, भैया ने वॉश किया है। भैया अपना नाम बताएंगे, कितना टाइम लगा वो बताएंगे और क्या प्राइसिंग है वो बताएंगे। तो टाइम लगा है 40 मिनट कंप्लीट करने के लिए लगा है, बहुत टाइम लगता है, सिंगल स्टैंड है इसलिए। प्राइस है 130 इसका प्राइस है।
सो 130 प्राइस है। और कहाँ पे है ये शॉप? मदनग्राम चौमाथा के पास ये शॉप है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे, मदनग्राम जो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस है उसके ऑपोजिट पे एक गली है, वहाँ पे बाइक का पूरा स्पेयर पार्ट्स और उसका सामान मिलता है, वहाँ पे काम होता है। वहाँ पे आप आएंगे, भैया का दुकान का एड्रेस पूछेंगे तो आपको बता देंगे। तो एक बार आइए ज़रूर से और यहाँ पे बाइक को वॉश कराइए, ज़रूर से आपको आपके बाइक पे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यहीं पे अपना ब्लॉग कंप्लीट करते हैं, अभी घर की ओर चलते हैं। तो टिल देन वेयर योर गैस एंड राइड सेफ। दिस इज माइल्स बिफोर साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो। चाओ फॉर नाउ। Wow.